हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो की खास बात क्या है, ये बेस्ड है सीबीएसई का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का फिजिकल एजुकेशन का, उसी पर। सो लेट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, ये हमारी फर्स्ट यूनिट है और इसमें आज मैं डिस्कस करूँगी टूर्नामेंट एंड इट्स टाइप्स एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो व्हाट इज टूर्नामेंट? Tournament, it is a contest between various teams where they play according to a fixed schedule and winner is decided. In other words, we can say it is a healthy competition. Healthy competition ek individual ke beech mein bhi ho sakta hai and group of individuals and between many teams. And it provides appropriate platform to display talent as well as skill. It also provides inspiration and encouragement not only to the participants but और ऑडियंस ऑल्सो। सो टूर्नामेंट का मतलब आपको समझ में आया, दो इंडिविजुअल्स के बीच में ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है और इसमें हमारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट मेनली फोर टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नॉकआउट, उसके बाद लीग, कॉम्बिनेशन एंड चैलेंज। तो ये सब टूर्नामेंट्स के बारे में मैंने मेरी नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कशन भी कर रखा है, यहाँ मैं एक छोटा सा या ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। नॉकआउट टूर्नामेंट, इसका दूसरा नाम है एलिमिनेशन टाइप, यानी कि एलिमिनेट करना। एंड फर्दर पार्ट्स आर आल्सो देयर, सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट, कंसोलेशन टाइप एंड टाइप वन एंड टू ऑफ कंसोलेशन आल्सो। एंड नेक्स्ट है हमारा लीग, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, वो है राउंड रोबिन टूर्नामेंट। सो अगर आपको कहीं भी सुनते हो आप, या आपके किसी कॉम्पिटिशन में या किसी एग्जाम में आपकी टर्म आती है राउंड रोबिन, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये इसी का ही एक दूसरा नाम है लीग का ही। इसमें सिंगल और डबल मैंने आगे डिस्कस कर रखे हैं और इसके फर्दर टाइप्स भी हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड, टेबुलर मेथड। नेक्स्ट थर्ड वाला हमारा है कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ टूर्नामेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो हमने दो डिस्कस किए हैं लीग एंड नॉकआउट, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है ये। लीग कम लीग भी हो सकता है, नॉक कम नॉकआउट भी हो सकता है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट। एंड फोर्थ हमारा है चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट। फ्रेंड्स, अगेन ये भी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम चैलेंज करके खेलते हैं। ये ऑर्डिनरी नॉकआउट और लीग टूर्नामेंट की तरह नहीं है, बल्कि फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि टेनिस में, स्क्वैश कॉम्पिटिशन यानी कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जैसे बैडमिंटन आदि में हम लोग एक दूसरे को चैलेंज करके खेलते हैं। यस, आई कैन प्ले बेटर और आई कैन कम्पीट बेटर देन यू। सो हम एक दूसरे को चैलेंज करके खेलते हैं, तो इसका नाम है चैलेंज टाइप ऑफ टूर्नामेंट। इसके भी फर्दर थ्री फॉर्म्स हैं, लैडर टाइप, पिरामिड टाइप एंड कोब वेब। ज्यादा फर्क नहीं है, बट देर इज ए डिफरेंस इन देयर फिक्स्चर पैटर्न, दैट्स इट, और ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है डिस्कशन, वो है व्हाई टूर्नामेंट इज इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टूर्नामेंट। सो सबसे पहले फर्स्ट वन इज पब्लिसाइजिंग द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जब या कॉन्टेस्ट या कॉम्पिटिशन जब भी होता है, तो आप देखिए हम उसको अपने स्पोर्ट्स को पब्लिसिटी कर सकते हैं, अपने स्पोर्ट्स की हम इन अ बेटर वे पब्लिसिटी कर सकते हैं। सो ये हमें एक चांस देता है पब्लिसाइजिंग द स्पोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट है अ सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट। हमारे पास बहुत सारे सोर्स होते हैं घर में भी, जैसे टीवी, मोबाइल, अदर देन दिस ऑल्सो, बट जब हम किसी कॉम्पिटिशन में आते हैं, चाहे एज ए पार्टिसिपेंट्स आए और वेदर वी आर ऑडियंस, सो देयर वी गेट बेटर एंजॉयमेंट, फिजिकली हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। डेफिनेटली अगर हम खेलते हैं एज ए पार्टिसिपेंट्स, तो हमारी बहुत सारी सोशल क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज, कोऑपरेशन, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एटसेट्रा। ऑन द अदर वे ऑल्सो, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज इट इज अ हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन कॉन्टेस्टेंट्स, पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज द ऑडियंस। एज ए ऑडियंस ऑल्सो वेन वी वॉच एनी टूर्नामेंट, तो हम लोग आपस में भी कुछ क्वालिटीज या कुछ चीजें शेयर करते हैं, जिससे हमारे अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, स्पेशली फॉर द पार्टिसिपेंट्स और फॉर स्टूडेंट्स और फॉर प्लेयर्स। जब हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या किसी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेते हैं, वहाँ
उसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में टैलेंटेड है, तो हम लोग या उसमें क्या क्वालिटी है। सो इट इज अ वे टू आइडेंटिफाई द टैलेंट ऑल्सो। नेक्स्ट इज डेवलप यूनिटी एंड प्रमोट इंटीग्रिटी। ऑफ कोर्स इट इज द फर्स्ट एंड द मेन मोटो ऑफ स्पोर्ट्स टू डेवलप यूनिटी इंटीग्रिटी अमंग द पार्टिसिपेंट्स एंड अमंग द ऑडियंस। नेक्स्ट इज प्रोवाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जब भी कोई छोटे लेवल का या बड़े लेवल का कॉम्पिटिशन होता है तो बिजनेस वाले लोगों को भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, इसमें अवसर इसमें बहुत सारे मिलते हैं। कैसे? देखिए, जब भी कोई स्पोर्ट्स होता है उसकी पब्लिसिटी के लिए हम बैनर्स लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं। अदर देन दिस ऑल्सो बहुत सारी शॉप्स होती हैं और वहाँ पर हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गियर्स, इनकी भी शॉप्स लगा सकते हैं। और इनके अलावा जूस की, फ्रूट्स की बहुत सारी छोटी, ये तो हो गया छोटे लेवल की बातें, हम शॉप्स लगाते हैं। बड़े लेवल पे भी हम जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स गियर्स और अदर देन दिस ऑल्सो बहुत सारे बिजनेस निकल के आते हैं जब भी कोई कॉन्टेस्ट होता है। तो प्रोवाइड ऑन एंड डेवलप डिजायर्ड स्किल अमंग द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स के अंदर क्या क्या इच्छाएं हैं वो निकल के बाहर आती हैं, और फर्दर अगर कोई हिडन क्वालिटीज हैं उनको भी ये फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो ये हमारे सारे बेनिफिट्स थे टूर्नामेंट से। नाउ वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग टूर्नामेंट्स, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं या कोई भी आपको कमेंट्स डालने हैं, कोई सजेशंस हैं, तो वेरी वेल यू कैन हैव ऑन माई ई मेल, दैट इज droppyfoki@gmail.com। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।